तो दोस्तों सुपर फोर में भारतीय टीम लगातार दो मुकाबले हारकर एशिया कप 2022 से बाहर हो चुकी है। जी हां दोस्तों, लगभग एशिया कप 2022 में फाइनल तक का सफर इंडिया का खत्म हो चुका है। लेकिन फिर भी दोस्तों अभी भी कुछ ऐसे सिनारियो बन रहे हैं जिसके चलते भारतीय टीम फाइनल में जा सकती है, लेकिन वो काफी ज्यादा चुनौतीपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि आखिर क्या है वो सिनारियो जिसके चलते भारतीय टीम फाइनल में जा सकती है और एक बार फिर से फाइनल का खिताब अपने नाम कर सकती है। दोस्तों सिनारियों की बात करें उससे पहले आपको ये फैक्ट जानना जरूरी है कि भैया आज का जो मुकाबला होगा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के खिलाफ, उसमें अफगानिस्तान का जीतना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है, ना सही अफगानिस्तान के लिए बल्कि भारत के लिए भी। अगर अफगानिस्तान आज का मुकाबला हार जाती है तो अफगानिस्तान के साथ साथ भारतीय टीम दोनों के दोनों इनडायरेक्टली एशिया कप से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान का 4 अंक हो जाएगा और श्रीलंका का भी 4 अंक हो चुका है और भारत 4 अंकों तक पहुंच ही नहीं सकता बिकॉज उनके सिर्फ एक ही मैच बचे हैं। इसलिए दोस्तों आज का मुकाबला काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है भारत और अफगानिस्तान दोनों के लिए। इसलिए हम सभी यही दुआ करेंगे कि आज का मुकाबला अफगानिस्तान जीत जाए। दोस्तों आप सभी को याद होगा एक बार और ऐसा ही सिनेरियो बना था जिसमें भी अफगानिस्तान का जीतना काफ़ी ज़्यादा जरूरी था 2021 के T20 विश्व कप में, लेकिन दोस्तों न्यूजीलैंड ने अफगानिस्तान को हरा दिया था और भारत का सपना टूट गया था। एक बार फिर से वही सिनारियो बन रहा है और इस बार हम चाहेंगे कि अफगानिस्तान जरूर से जरूर जीते और भारत का सफर एशिया कप में बरकरार रहे। दोस्तों अब बात करते हैं अपने सिनारियो नंबर 1 की, जो कि अभी पाकिस्तान अपने दोनों मुकाबले हार जाए। जी हाँ दोस्तों, आज का मुकाबला अफगानिस्तान के साथ है पाकिस्तान का, जिसमें अफगानिस्तान पाकिस्तान को हरा दे, साथ ही जब श्रीलंका के खिलाफ पाकिस्तान का मुकाबला होगा तो श्रीलंका फिर से पाकिस्तान को हरा दे, जिससे होगा ये कि भैया पाकिस्तान भी 2 अंकों के साथ ही रुक जाएगी पॉइंट्स टेबल में, वो 4 अंकों तक नहीं पहुंच पाएगी। दोस्तों अगर बात की जाए अपने सिनारियो नंबर 2 की, यानी कि समीकरण नंबर 2 की, तो वो है दोस्तों कल के मुकाबले में यानी कि 8 सितंबर को जो भारत और अफगानिस्तान के बीच मुकाबला खेला जाएगा, उसमें भारतीय टीम ना सिर्फ अफगानिस्तान को हराए बल्कि बड़े मार्जिन से हराए। जी हाँ दोस्तों, जिससे कि भारतीय टीम का नेट रन रेट काफी अच्छा बन सके। दोस्तों बात की जाए अगर अपने सिनारियो नंबर 3 की, तो वो है भारतीय टीम अफगानिस्तान को बड़े मार्जिन से हराए और बाकी की जो 2 टीमें बची हुई हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान, वो अपने मुकाबले बड़े मार्जिन से हारे। जी हाँ दोस्तों, हालांकि ये मुश्किल है लेकिन दोस्तों चमत्कार कभी भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है और हम सभी यही चाहते हैं कि ये चमत्कार जरूर हो जाए। ये सिनारियो जो भी बन रहे हैं ये सिनारियो जरूर से जरूर पूरा हो जाए। जी हाँ दोस्तों, सिनारियो नंबर 3 यही है कि भारतीय टीम बड़े मार्जिन से जीते, अफगानिस्तान और पाकिस्तान बड़े मार्जिन से हारे, तभी भारतीय टीम फाइनल में जा सकती है, अन्यथा फिर नहीं। भारतीय टीम का सफर आज ही खत्म हो सकता है अगर अफगानिस्तान आज का मुकाबला हार जाती है तो दोस्तों सभी दुआ करो कि जो भी सिनारियो बन रहे हैं वो पूरा हो जाए और भारतीय टीम फाइनल में प्रवेश कर ले। दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि ऐसे ही क्रिकेट से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स और न्यूज़ सबसे पहले पहुँचे आप तक।